नमस्कार, स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव देख रहे हैं जी आप। मैं हूं आपके साथ सचिन। कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आईपीएल में लगातार 3 जीत हासिल करने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम अब टूर्नामेंट में जिंदा हो गई है। मतलब ये कि आरसीबी अभी भी इस टूर्नामेंट में जिंदा है, यानी अब भी टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है, जो कुछ दिनों पहले तक असंभव नजर आ रहा था। शुक्रवार को अपने घर पर खेलते हुए टीम ने गुजरात टाइटंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के बाद ही पॉइंट टेबल में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। लगभग 1 महीने से नंबर 10 पर बनी हुई आरसीबी टीम अब जाकर 7वें नंबर पर पहुंच गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आरसीबी टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है, और अगर पहुंचती है तो कैसे पहुंचती है। ये सवाल तमाम आरसीबी फैंस के मन में है। जहां आपको बता दें कि अगर टीम इसी तरह खेलती रही तो जरूर उनकी टीम प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। अब आपको बता दें कि कैसे ये टीम प्लेऑफ तक पहुंच सकती है। फैफ डुप्लेसी की कप्तानी में टीम ने अब तक 11 मैचों में 8 अंक हासिल किए हैं, और अगर आरसीबी अपने सभी मैच जीत जाती है तो उसके 14 अंक हो जाएंगे। लेकिन सवाल तो यह है कि मान लीजिए आरसीबी अपने 3 ही मैच जीत जाए तो भी क्या चांस बनता है आरसीबी टीम का। आइए समझते हैं पूरा समीकरण। अगर आरसीबी अपने सभी मैच जीतती है तो उसे उम्मीद करनी होगी कि हैदराबाद या लखनऊ की टीम किसी एक टीम को 1 से अधिक मैच में जीत ना मिले। दोनों टीमों के 10 मैचों में 12 अंक है। वहीं आज लखनऊ का मुकाबला कोलकाता से है। आरसीबी फैंस तो यही दुआ करेंगे कि टीम कोलकाता ये मैच जीत जाए। इसके अलावा दिल्ली और चेन्नई दोनों टीमों के 10 अंक है। आरसीबी यही चाहेगी कि दोनों टीमों को 2 से अधिक मैचों में जीत ना मिले। वहीं इसी तरह पंजाब टीम के भी 10 मैच में 8 पॉइंट है, और वह 3 से अधिक गेम ना जीते आरसीबी ये दुआ करेगी। अगर सब कुछ ऐसा ही होता है तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर समेत 6 टीमों के 14 अंक होंगे। इसके बाद सब कुछ नेट रन रेट पर निर्भर करेगा। साथ ही आपको बता दें कि आरसीबी 12 अंकों के साथ भी प्लेऑफ में जगह बना सकती है। अगर टीम एक मैच हार जाती है तो टीम को ये उम्मीद करनी होगी कि बाकी बची टीमें भी 12 से ज़्यादा अंक हासिल ना कर सके, जिससे नेट रन रेट पर फैसला आ जाएगा। और आरसीबी जिस तरीके से खेल रही है, उनका नेट रन रेट धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा है। कोशिश वो यही करेंगे कि बचे 3 मुकाबलों में अपने नेट रन रेट को माइनस से प्लस में लेकर के आ जाए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आरसीबी ने जो पिछले 3 मैच खेले हैं उसमें बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों का भी अच्छा परफॉर्मेंस था। फिलहाल जिस तरह का रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का अब तक प्रदर्शन है, उम्मीद तो यही की जा सकती है कि भाई आरसीबी फैंस की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो सकती है, यानी कि टीम प्लेऑफ तक रास्ता बना सकती है। लेकिन उसके लिए बचे 3ों मैच में जीत हासिल करनी होगी, नेट रन रेट को और बेहतर करना होगा, और फिर दुआओं पर निर्भर करेगा कि बाकी बची टीमें भी खराब परफॉर्मेंस करें और आरसीबी प्लेऑफ में जगह बना ले। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।